समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षदा जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। महोबा, किसानों की फसलों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय जांच दल। पनवाड़ी विकास खंड के ग्राम दिदवारा में पहुंचा जांच दल। केंद्रीय जांच दल में केंद्रीय कृषि निर्देशक मान सिंह दिल्ली और प्रोजेक्ट डायरेक्टर बलवीर सिंह के साथ उप जिलाधिकारी मोहम्मद उवैस एवं कुलपहाड़ तहसीलदार मौके पर रहे। लेखपाल और क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट से साहब संतुष्ट नहीं हुए तो साहब ने सभी किसानों सहित खेत जाकर हकीकत को जाना। जब तक किसान आप बीती सुनाते रहे तब तक साहब किसी की बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। जब खेत देखा तो महोदय की आंख फटी की फटी रह गई। महोदय ने बताया कि फसल नष्ट की खबर पर केंद्र सरकार ने जांच करवाने का फैसला लिया जो पूर्णतः सत्य है। महोदय ने बताया कि जांच उपरांत सभी किसानों को जल्द ही सहायता राशि दिलाई जाएगी। आप खेतों का दौरा कर रहे हैं सर, आप कहां से आए हैं सर, कौन से पद पर हैं सर और क्या देखा आपने यहां पर? देखिए, केंद्र सरकार का एक जांच दल आया हुआ है जो उत्तर प्रदेश में अतिवृष्टि हुई है। महोबा जनपद में हम लोग 3 सदस्यीय एक दल आया है विभिन्न अलग अलग मंत्रालयों से। मैं किसी मंत्रालय में निदेशक हूँ। अभी हम लोग प्रक्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जो भी फसल क्षति है सभी अधिकारियों के साथ ही बैठक है और जो एक्चुअल में क्षति हुई है उसका भी आकलन कर रहे हैं। खेतों में भी जहाँ जहाँ अभी कुछ फसलें के अवशेष बचे हैं या कटी हैं उनका आकलन कर रहे हैं और अभी जिला प्रशासन के साथ भी एक बैठक करेंगे। तो सब जितने भी कागज हैं और फोटोग्राफ हैं और जितनी रिपोर्ट है सब देख के हम लोग एक आकलन अपना करेंगे, अपनी रिपोर्ट हम केंद्र सरकार को सबमिट करेंगे। सर, जो भारत सरकार की तरफ से जो सहायता जो होती है और जो किसान उसके अधिकारी हैं उनको वो सहायता दिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और सर, प्रभावित है सर, बीमा कंपनियों के लिए क्या निर्देश होगा सर आपका? बीमा का अलग व्यवस्था है केंद्र सरकार की, भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और यहाँ काफी किसानों ने कराया भी है तो बीमा की एक प्रक्रिया है उसके तहत बीमा का लाभ मिलता है। और पहले भी किसानों ने बताया कि पिछले साल भी काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, इस साल भी उसकी प्रक्रिया जारी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने बीमा कराया है उसको उनका लाभ अवश्य ही मिलेगा और हम लोग पूरा प्रयास भी करेंगे। थैंक यू सर। खबर समय जगत के लिए पनवाड़ी महोबा से अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।